हमल नहीं हो रहा, डिफरेंट मेथड्स ट्राई करने के बावजूद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, ओवुलेशन डे का पता नहीं चलता, फर्टाइल पीरियड निकालना नहीं आता, पीरियड्स आपके इरेगुलर हैं, आपको समझ नहीं आती कि अपने हस्बैंड के साथ कब रिलेशन बनाएं जब हमल ठहरने के चांसेस मैक्सिमम हो, यही सारी परेशानियां हैं, तो डोंट वरी, आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, कोई ओवुलेशन डे नहीं निकालना पड़ेगा। आपका साइकिल चाहे 30 दिन का है, चाहे 35 दिन का है, चाहे 40 दिन के बाद आपको मेंसेस आते हैं, तो परेशान नहीं होना। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए इस नए मेथड पर अमल करें जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक ही माह के अंदर हमल ठहर जाएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप चाहे एक मर्द हैं या खातून, औलाद चाहिए, तो दोनों इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। इसके बाद इस नए मेथड 1+3 को अपनाएं, हमल जरूर ठहरेगा। वीडियो को स्किप करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। हाउ टू गेट प्रेगनेंट फास्ट विदाउट कैलकुलेटिंग योर ओवुलेशन डे। ओवुलेशन डे निकाले और जाने बगैर इररेगुलर पीरियड्स में जल्दी प्रेगनेंसी कैसे कंसीव करें, इस तरीके को समझने के लिए थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ये सबसे नीचे वेजाइना का पोर्शन है, जहाँ से इंटरकोर्स के दौरान हस्बैंड का स्पर्म अंदर दाखिल होते हैं, और इसके ऊपर सर्विक्स का पोर्शन है। सर्विक्स के ऊपर ये जो सारा पोर्शन है, इसको यूट्रस कहा जाता है, यानी कि बच्चेदानी जिसको कहते हैं। और फिर फीमेल के अंदर, हर फीमेल के अंदर दो ओवरीज होती हैं, एक राइट साइड पे होती है यूट्रस के और एक लेफ्ट साइड पे। ये जो वाइट कलर की आपको नज़र आ रही हैं दोनों साइडों पे, ये ओवरीज हैं, इनसे एग रिलीज होते हैं। अब यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपने समझना है, वो ये जो रेड कलर की ट्यूब्स, नालियाँ दोनों तरफ आपको नज़र आ रही हैं, यूट्रस के साथ ये अटैच हैं, ये यूट्रस के अंदर आके खुलती हैं, इनको फिलोपियन ट्यूब्स बोला जाता है। एक फिलोपियन ट्यूब राइट साइड पे होती है, एक फिलोपियन ट्यूब लेफ्ट साइड पे होती है। फिलोपियन ट्यूब का एक सिरा यूट्रस के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अटैच है और यूट्रस के अंदर खुलता है, और दूसरा बाहर वाला जो सिरा है, ये आप देखें कि ये ओवरीज के ऊपर पड़ा है। जैसे ही ओवरीज में से एग निकलता है, ये वाला सिरा एग को कैच कर लेता है और अपने अंदर निकल लेता है। अब यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ज़रा हम इस फिलोपियन ट्यूब और ओवरीज वाले हिस्से को जूम करके देख लेते हैं। ये हमने इसको बड़ा कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर की जो नाली है, ये ट्यूब है, ये अटैच हो रही है यूट्रस के साथ, इसको फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब फर्ज कर लेते हैं कि आपकी ओवरीज से एग निकला, ये येलो कलर का, ये यहाँ पे आ गया फिलोपियन ट्यूब के अंदर। फीमेल के अंदर ओवरीज से एग कैसे निकलता है, ज़रा ये भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें, ये ओवरीज हैं, ये ओवरीज से एग अब रिलीज हो रहा है, रप्चर होगा। इसके बाद ये एग जैसे ही निकलेगा, फिलोपियन ट्यूब का बाहर वाला सिरा इसको पकड़ लेगा और ये एग फिलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पे ये एग पड़ा है फिलोपियन ट्यूब के अंदर, और फिलहाल ये एग यहीं पे स्टे करेगा और स्पर्म के आने का वेट करेगा। एग की लाइफ एक दफ़ा रिलीज होने के बाद मैक्सिमम 24 घंटे होती है, और 24 घंटे के बाद एग ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। अब आपके साइकिल की जो भी लेंथ है, चाहे आपको 35 दिन के बाद मेंसेस आते हैं, 40 दिन के बाद, 45 दिन के बाद मेंसेस आते हैं, जैसे ही आपका एग रिलीज हो और इस फिलोपियन ट्यूब में आए, तो हमने प्रेग्नेंट होने के लिए इस 1+3 मेथड से इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि उस वक्त आपके हस्बैंड का स्पर्म वहाँ पे पहले से मौजूद हो फिलोपियन ट्यूब के अंदर, ताकि वो आपके एग के साथ मिले और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। चाहे उस टाइम पर आपने रिलेशन बनाया, अपने हस्बैंड के साथ मिलाप किया या नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ओवुलेशन के टाइम पर हम बिस्तरी नहीं की, तो फिर स्पर्म यहाँ पर पहले से कैसे मौजूद होगा? बिल्कुल होगा, यही तो इस तरीके में हमने समझना है। मेल जब एक बार डिस्चार्ज होता है, तो मेल के एक बार के डिस्चार्ज में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, और इन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स के अंदर फिर रेस शुरू हो जाती है। ये स्पर्म वेजाइना से ट्रेवल करते हैं सर्विक्स में, सर्विक्स से यूट्रस में आते हैं, और यूट्रस से फिर फिलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं और वहां पे एग को तलाश करते हैं। और एक बार जो स्पर्म फीमेल के अंदर दाखिल हो जाता है, तो वो मैक्सिमम 3 से लेके 5 दिन तक ज़िंदा रह सकता है।
अब ये जो स्पर्म यहाँ पे पड़े हुए हैं एग के आने से पहले से यहाँ पे मौजूद हैं, आपने 2-3 दिन पहले जो रिलेशन बनाया था अपने हस्बैंड के साथ, ये 3 दिन पहले वाले स्पर्म हैं जो फिलोपियन ट्यूब के अंदर घूमते रहते हैं एग की तलाश में, और जैसे ही एग रिलीज होता है तो पहले से मौजूद स्पर्म उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के फर्टिलाइज कर देते हैं। हालांकि मिलाप तो आपने 3 दिन पहले किया था। अब जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए 1+3 मेथड का मतलब ये है कि आप एक दिन रिलेशन बनाएं अपने हस्बैंड के साथ, जो स्पर्म अंदर चले जाते हैं वो कम से कम 3 दिन तक तो जिंदा रहेंगे और एग को तलाश करते रहेंगे, और जैसे ही एग रिलीज होगा इनमें से कोई एक स्पर्म एग से मिलके एग को फर्टिलाइज कर देगा। फिर चाहे आप 3 दिन रिलेशन ना बनाएं, लेकिन 4th दिन रिलेशन लाजमी बनाएं, 4th दिन स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये 4th दिन ही हो आपका ओवुलेशन डे, इसी दिन आपके अंदर एग रिलीज़ होना हो, और एग आपके अंदर इस दिन रिलीज़ हो वहाँ पे स्पर्म फिलोपियन ट्यूब में नहीं होगा, क्योंकि जो 3 दिन पहले वाले स्पर्म हैं उनकी तो लाइफ ही मैक्सिमम 3 दिन है, तो वो तो डेड हो जाएंगे। ये जो स्पर्म पड़े हैं 3 दिन तक तो जिंदा रहे लेकिन एग रिलीज़ नहीं हुआ, 3 दिन के बाद ये स्पर्म डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसलिए 4th दिन अपने हस्बैंड के साथ दोबारा मिलाप करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि एक भी चांस मिस ना हो प्रेग्नेंट होने के लिए, क्योंकि अगर 4th दिन आपने मिस किया तो इस महीने आपका प्रेग्नेंट होने का चांस ख़त्म हो जाएगा और फिर आपको प्रेग्नेंट होने के लिए दोबारा से अगले महीने का वेट करना पड़ेगा। और जिन मर्दों के स्पर्म निस्बतन कमज़ोर होते हैं उनको हम ये मशवरा देते हैं कि वो 3 दिन का गैप करने की बजाय 2 दिन गैप करें और 3rd दिन हर सूरत में रिलेशन बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि उनके स्पर्म वीक हैं तो वो 3 दिन तक ज़िंदा ना रह सकें, 2 दिन तक ज़िंदा रहते हों। और फिर इस मेथड के साथ साथ अगर आपको अपना ओवुलेशन डे भी निकालना आता है, अपना फर्टाइल पीरियड भी निकालना आता है, तो आप उसको भी फॉलो करें, आप इस रूटीन को भी जारी रखें, और जब आपका फर्टाइल पीरियड आता है तो उस दौरान में भी आप रिलेशन बनाएं डेली या एक दिन छोड़ के एक दिन। उससे होगा ये कि कुछ स्पर्म तो ऑलरेडी पहले से मौजूद होंगे जो आपने प्रीवियस रिलेशन बनाया था, वो भी एग को तलाश कर रहे होंगे फर्टिलाइज करने के लिए, और ओवुलेशन पीरियड के अंदर आपने रिलेशन थोड़े ज़्यादा फ्रीक्वेंट बनाए तो स्पर्म की क्वांटिटी और ज़्यादा हो जाएगी, पीछे से और स्पर्म आ जाएंगे और मैक्सिमम चांसेस हो जाएंगे एग को फर्टिलाइज करने के, प्रेगनेंसी कंसीव करने के। अब अगर हम इस सारी वीडियो को समराइज़ करें तो आपका मेंसेस का साइकिल चाहे 40 दिन का है, 45 दिन का है, या आपको 50 दिन के बाद मेंसेस आते हैं, या आपका साइकिल ही इररेगुलर है, आपको अपने ओवुलेशन डे का भी नहीं पता, लेकिन अगर आपका एन ओवुलेटरी साइकिल नहीं है तो एक बार तो एग बनेगा ही, और जब एग रिलीज हो स्पर्म पहले से वहाँ मौजूद हो उसको फर्टिलाइज करने के लिए, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप एक दिन मिलें, और फिर 3 दिन भले आप ना मिलें, चाहें तो मिल सकते हैं, लेकिन 4th दिन कभी भी स्किप नहीं करना, 4th दिन रिलेशन लाजमी बनाएं और फिर इसी रूटीन को जारी रखें। और अगर आप एग्जैक्ट अपना ओवुलेशन डे जानना चाहती हैं, फर्टाइल पीरियड निकालना चाहती हैं, इस पर चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकती हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।